नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आज हम लोग क्रैश कोर्स का नया लेक्चर देखने जा रहे हैं और कल हम लोग जो है ना मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे, दो मैट्रिक्स का योग पढ़े थे, दो मैट्रिक्स का किसे घटा कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स से किस तरह से गुणा कर सकते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है क्या उस मैट्रिक्स में, हम लोग पढ़ना है क्या आज मैट्रिक्स का पढ़ना है समितायुग किसे कहते हैं और विषम समितायुग क्या होता है और समितायुग विषम समितायुग आज देखते हैं क्या है। जैसे समितायुग और विषम सम्मित आयु, सम्मित आयु को बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स, आयु होता है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। समित आयु देखते हैं क्या है, मान लेते हैं कि ये आयु वैसा वर्ग आयु जिसका परिवर्त करने पर वैसा वर्ग आयु जिसका परिवर्त करने पर मान लेते हैं कि आयु देखते हैं क्या है, या वैसा वर्ग आयु जिसका परिवर्त करने पर यदि हमको वही मैट्रिक्स प्राप्त आ जाए, एक वो एक आयु था और उसका परिवर्त करने पर हमको वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, समित आयु है। विषम समित आयु किसको बोलते हैं, वैसा वर्ग आयु जिसका हम परिवर्त करने पर वो क्या जाए उसका निगेटिव आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम समित आयु है। सम समित आयु किसे कहते हैं, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा एक आयु रहेगा उसका जब हम परिवर्त निकालेंगे यदि वही मैट्रिक्स आकर फिर से आगे वही मैट्रिक्स तो क्या बोलेंगे, वो समित आयु है। यदि कोई मैट्रिक्स रहेगा उसका जब हम परिवर्त निकालते हैं यदि उसका क्या आ जाए निगेटिव आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो विषम समित आयु है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख देते हैं समित आयु क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ए बराबर मान लेते हैं कि माना एक दो तीन चार पाँच छः, जैसे एक तरह से हम एक आयु लिए, मान लीजिए कि एक आयु मान और इसका कोटि क्या है, तीन गुना तीन है। समित आयु हमेशा एक वर्ग आयु होता है और इसका क्या करना है, हमको परिवर्त करना है। मान लो कि इस आयु को हम परिवर्त करते हैं, इस आयु को परिवर्त करने पर क्या है, यहाँ एक दो तीन दो चार पाँच तीन पाँच और छः, इसका हम परिवर्त करते हैं। परिवर्त कैसे होता है, परिवर्त जो रो होता है उसको कॉलम बनाते हैं, ये रो फर्स्ट रो में से इसको क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम में लिख लेना, क्या आ जाएगा वन टू थ्री, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेंगे दो चार पाँच, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेंगे छः। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, यही ये आईपीयू जो हम माने थे, मान लिए थे कि माना एक आईपीयू को है उसको हम क्या कर दीजिए, इसका परिवर्त निकाले, इसका परिवर्त निकाले पर हमको क्या देख रहे हैं कि जो आईपीयू मेरा था सेम जाके फिर से क्या मिल गया, मेरा वही आईपीयू प्राप्त हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है कि सममित आईपीयू का पहचान होना चाहिए। यदि परिवर्त करने पर वही आईपीयू फिर से रिटर्न आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको, सममित आईपीयू कहते हैं। विषम सममित आईपीयू फिर क्या होता है, विषम सममित आईपीयू को एग्जाम्पल लेके देखते हैं, विषम सममित आईपीयू क्या होता है, विषम समित आयु क्या देखें कि इसका परिवर्त करने पर यदि वही मैट्रिक्स निगेटिव में आ जाए तो क्या बोलेंगे, विषम समित आयु है। तो मान लेते हैं आयु ए बराबर एक आयु मानते हैं क्या जीरो 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 माइनस दो माइनस तीन वन दो तीन, जैसे मान लेते हम एक आयु मानेंगे, ये आप याद रखिएगा क्या विषम समित आयु का हमेशा क्या होता है डायगोनल उसका अधिकांश जीरो रहेगा, जैसे विषम समित आयु का। अब यहाँ क्या करते हैं, परिवर्त करते मान लीजिए कि हम इसका परिवर्त निकालते, परिवर्त क्या होता है इसका, इसका परिवर्त क्या होता है
जैसे ये माइनस वन माइनस दो जीरो फिर वन जीरो माइनस तीन दो तीन जीरो, इसका परिवर्तन करते हैं। इसका परिवर्तन मतलब हम क्या सीखे, परिवर्तन जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। जो रो है वो क्या बनेगा, कॉलम। थी फर्स्ट रो का एलिमेंट है क्या लिखेगा, जीरो माइनस वन माइनस दो। फिर सेकेंड रो क्या थी, सेकेंड कॉलम में लिखाएगा माइनस थ्री। फिर ये क्या थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में लिखाएगा। ये जब हम चेंज किए तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ए था बी वो हमको मिला रहे हैं, ताकि हम माइनस क्या क्या है प्लस। अब हमको क्या करना है, यदि साइड से हम माइनस वन कॉमन निकाल देते हैं, जब हम कल पढ़े क्या, अगर किसी आव्यूह में हम गुणा करते थे, क्या पढ़े थे कल, को एक आव्यूह था ए बी सी डी, इसमें हम क्या पढ़े थे कल, मान लो इसमें हम तीन से मल्टीपल किए थे तो इसका इतना बराबर क्या आ गया था, जब तीन से मल्टीपल करते थे सब तीन से गुणा हो जाता था क्या था? ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यदि किसी आव्यूह में आप तीन से मल्टीपल करते थे, सभी एलिमेंट में तीन से मल्टीपल हो जाता है, जिस तरह से हम गुणा कर सकते हैं उसी तरह से हम बाहर भी निकाल सकते हैं, उसी तरह से क्या देख रहे हैं आप, नहीं पूछे तो हम माइनस वन कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए माइनस में चाहिए। इसलिए इससे जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेना मतलब क्या होता है कि जो संख्या प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो जीरो में आप माइनस लगाओ नहीं लगाओ बात क्या रहता है सेम है, ये जीरो को जीरो छोड़ दो हम वन है, यहाँ से हम माइनस निकाले क्या क्या जाएगा माइनस होता है ना, माइनस से गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर दो क्या क्या जाएगा माइनस दो, फिर माइनस वन है माइनस निकाले तो बचेगा क्या आएगा वन, फिर यहाँ जीरो है जीरो जीरो लिखो, यहाँ तीन है क्या क्या जाएगा माइनस तीन, यहाँ माइनस दो दो निकाल ली माइनस निकाल ली क्या जाएगा प्लस, फिर यहाँ से माइनस निकाले तो बचेगा तीन, आइए लास्ट में क्या है आपका जीरो। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आईव्यू था आपका, ये आईव्यू ये को हम मान लेते क्या फिर से वही रिटर्न आ गया, तो क्या था वैसा आव्यूह जिसका परिवर्तन करने पर यदि वही आव्यूह का क्या जाए निगेटिव आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं विषम आव्यूह बोलते हैं। और ये आप याद रखिएगा विषम आव्यूह का डायग्राम हमेशा क्या होता है जीरो जीरो रहता है। अब इस पर एक सवाल देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है। अभी हम पढ़े सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, इस पर कुछ नोट लिखते हैं, देखते हैं क्या है नोट। पहला नोट, यदि कोई ए एक वर्ग आव्यूह हो तो यदि ए कोई एक वर्ग आव्यूह हो तो ए वो आव्यूह और उसी का हम परिवर्त आव्यूह क्या है, एक कोई एक वर्ग आव्यूह होगा और उसका हम परिवर्त दोनों को क्या कर जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आव्यूह जो हमको मिलेगा ये आव्यूह क्या कहलाता है आपका सममित आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है सममित आव्यूह कहलाता है। आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछ चुका है कितना बार, कोई एक वर्ग आव्यूह होगा उसका हम जब परिवर्त करके दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या कहलाता है मेरा सममित आव्यूह। फिर इसका जस्ट दूसरा क्या करते हैं वही एक वर्ग आव्यूह उसका हम परिवर्त में क्या करते हैं दोनों को माइनस कर देते हैं, जब दोनों को माइनस करके जब निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। यह आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुके हैं, सब आपको याद रख लेना है। फिर दूसरा नोट क्या है इसमें, यदि कोई एक वर्ग आव्यूह यदि ए एक कोई वर्ग आव्यूह हो तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना। ये आपका जब भी पूछा है आपको ये पांच नंबर में पूछा जाता है और पूछ चुका है ये आपको, ठीक है। ये आपको जब भी सवाल देगा आपको पांच नंबर रहेगा, क्या करें कि ए को एक वर्ग आव्यूह होगा उसका क्या करना है सममित आव्यूह निकाल, उसको ए को एक वर्ग आव्यूह होगा उसका सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को क्या करना है योगफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको कैसे व्यक्त करते हैं, तो मान लो कि ए को एक वर्ग आव्यूह उसको हम क्या करते हैं इसका परिवर्त निकाल के दोनों को ऐड करके दिए क्या कहलाता है सममित आव्यूह कहलाता है, कहलाता है कि ना। फिर हम क्या पढ़े कि ए को एक वर्ग आव्यूह इसका हम वर्ग आव्यूह परिवर्त निकाल के जब दोनों का अंतर करते दिए क्या कहलाता है विषम सममित आव्यूह कहलाती है। सममित आव्यूह है और ये क्या विषम सममित, बोला क्या दोनों को योगफल के रूप में लेकर जब दोनों को ऐड करेंगे
जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, किसका परिवर्तन और ये परिवर्तन हो कट जाएगा, कटने पर क्या आ जाएगा, ए प्लस ए कितना आ जाएगा आपका, टू ए आ जाएगा। यही टू ए को दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अब ये दो को हटाने के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व किया क्या पता चला इसका परिवर्तन, ये परिवर्तन हम कट रहा तो बता ए प्लस ए कितना आ रहा है, टू ए। यदि हम इसी को एक बराबर दिखना चाहते हैं तो क्या यही बोला ना कि एक वर्ग आव्यूह है, इसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित को योगफल के रूप में दिखाना है, तो क्या कर रहे हैं सममित और विषम सममित का योगफल के रूप में जब कर रहे हैं इसको हल करने पर क्या देख रहे हैं कि ए का परिवर्तन और ए का परिवर्तन प्लस माइनस में क्या होगा कट जाएगा, ए प्लस ए कितना आ जाएगा टू ए, लेकिन हमको कितना के बराबर चाहिए ए के बराबर चाहिए, इसलिए यहाँ क्या आ रहा है यहाँ पर टू ए हो रहा है, दोस्त भाग लग रहे क्या कर रहे हैं वन बटे टू से गुना कर दीजिए ताकि ए प्लस ए क्या देगा टू ए, टू टू करके क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, यही आपका क्या होता है योगफल के रूप में सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में। जब भी आपको इस नोट से आपको अगर सवाल इससे पूछे जाएगा तो आपको हमेशा पांच नंबर में पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, ये भी आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका सममित आव्यूह और ये आपका क्या होता है विषम सममित आव्यूह होता है। इसी का आप इसी पर एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि आपको पांच नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लिए है क्या बोल रहे हैं, यदि ए एक एक मैट्रिक्स आव्यूह दिया हुआ है और इसे कहता है क्या सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करें, ये आपका क्वेश्चन पांच नंबर में पूछ चुके हैं, आपका क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा, ये आपका पूछा हुआ सवाल है, आप हमको इसी को सॉल्व करना है कि वो एक आव्यूह है जिसको क्या कह रहा है सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो आप हम पढ़े क्या क्या पढ़े, कोई एक आव्यूह था ए, उसको हम योगफल सममित और विषम सममित के योगफल में कैसे लिख रहे थे, ए प्लस ए का परिवर्तन ये था सममित प्लस ए माइनस ए का परिवर्तन ये था आपका विषम, जब दोनों को ऐड कर रहे थे क्या हो रहा था ए ए टू ए हो रहा था, ये दो हटाने के लिए क्या करते हैं इसमें हाफ से मल्टीपल करते हैं, यही था आपका सममित आव्यूह और ये विषम सममित आव्यूह। अब हमको क्या करना है इसी का मान निकाल के हमको इसकी जगह रखना है सममित का मान निकालना है और विषम सममित का निकाल के मान रख के इसी को क्या होता है क्या योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे आप इसको समीकरण एक मान लीजिए, अब इसको हम मान लेते हैं क्या इतना बराबर मान लेते हैं ये पी है और इसको मान लेते हैं हम क्या है क्यूब है, ये पी है और क्यूब है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या माने मान लीजिए कि हम क्या ए और ये पी माने, अब इसमें क्या करना है पहले ए का परिवर्तन निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं ए का परिवर्तन, ए का परिवर्तन कैसे निकालते हैं ए का परिवर्तन जैसे यहाँ एलिमेंट क्या क्या है वन माइनस दो तीन चार माइनस तीन दो माइनस वन पाँच और तीन, इसका क्या करना है परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन कैसे करते हैं जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, ये आपका रो है तो ये कॉलम वन माइनस दो माइनस तीन तीन ये फोर माइनस थ्री दो माइनस वन फाइव और तीन, ये आपका ए का परिवर्तन निकल गया। अब हमको क्या निकालना है पी का मान निकालना है, जो हम यहाँ मान चुके हैं कि ए बराबर क्या है हाफ इंटू ए प्लस ए का परिवर्तन प्लस ए माइनस ए का परिवर्तन, इसको हम क्या मान लिए पी माने और इसको क्यू माने, तो पी और क्यू का मान निकाल लेते हैं, तो पी का मान क्या है तो पी हम किसको माने पी बराबर मान लिया क्या ए प्लस ए का परिवर्तन, तो क्या ए हम ए का मान क्या दिया हुआ है ए का मान आपका यहाँ क्या है वन माइनस दो तीन चार माइनस तीन और दो माइनस वन पाँच और तीन, ए का मान रखे प्लस ए का परिवर्तन, ए का परिवर्तन यही इसका रो है तो वो कॉलम बन जाता है, इसको इसी को हम ए परिवर्तन लिख देते हैं क्या यही पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा आपका, ये आ गया क्या आपका ए प्लस ए का परिवर्तन, जब ये दोनों का ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वन प्लस वन वन प्लस वन, इसका दूसरा लेते थे इसका दो अब प्लस कितना करना है वन दो प्लस माइनस चार, फिर इसका अगला क्या तीन प्लस कितना आ जाएगा माइनस वन आएगा, फिर इसका चार लेते थे फोर प्लस क्या आ जाएगा माइनस दो आएगा, फिर इसके माइनस तीन लेंगे थे फिर क्या आ जाएगा इसका फिर इसका आ जाएगा माइनस तीन, फिर इसका अगर दो लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा आपका फाइव आएगा, फिर इसका माइनस वन लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा
माइनस वन में क्या ऐड करना है इसका, तीन ऐड करना है। फिर पांच लेते हैं तो पांच में इसका क्या ऐड करना है, इसका दो ऐड करना है। फिर इसका तीन लेते हैं तो इसमें क्या ऐड करना है, ये तीन आपका ऐड आ जाएगा। ये बोला था क्या, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जुड़ रहा है, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ रहा है, और तीसरा, इस तरह से आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पर क्या आ रहा है, आपको हल कर लेते हैं, वन प्लस वन कितना आ जाएगा, दो, माइनस दो में चार घटेगा क्या आ जाएगा आपका, दो आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तीन एक घटेगा क्या आएगा, दो आएगा, चार में ये दो घटा कितना बचेगा, दो आएगा, ये तीन में तीन कट गया कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तीन तीन जुटेगा कितना आ जाएगा, माइनस छः आ जाएगा, पाँच दो कितना होता है, सात, तीन में एक घटेगा क्या बचेगा, दो, पाँच दो सात, और ये तीन तीन छः हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ए प्लस ए का मतलब पी का मान निकाल लिए। अब इसी तरह हमको क्या करना है, क्यू का मान निकालना है, पी का मान निकालना है, इसी तरह हमको क्या करना है, क्यू का मान निकालना है। अब हम यह मिटाते हैं, तो P का मेरा मान ये आ चुका है। अब हम Q का मान निकालते हैं। अब Q का मान, Q हम किसको माने थे, A माइनस A का परिवर्त, Q हम लोग इसी को माने हैं, A माइनस A का परिवर्त। A का मान क्या दिया हुआ है, A का मान यहाँ आपका है वन, माइनस दो तीन चार, माइनस तीन दो, माइनस वन फाइव थ्री, A का मान दिया है। फिर A का परिवर्त, A का परिवर्त इसी से हम निकाल लेते हैं, जो रो है वो फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा, जो रो है वो क्या लिखाएगा, फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा क्या आ जाएगा, वन माइनस दो तीन, फिर इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम में आ जाएगा चार, माइनस तीन दो, फिर ये तीसरा रो तीसरा कॉलम में आ जाएगा। ये दोनों को निकाल लिए, क्या किए, ए प्लस ए, ए माइनस ए का माइनस चाहिए वो विषम समय चाहिए, क्या करना है माइनस, ये आपको माइनस करना है। तो माइनस कैसे करते हैं, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से घटाना है, तो वन माइनस क्या आ जाएगा वन, फिर इसका दूसरा एलिमेंट दो माइनस क्या आ जाएगा फोर, फिर इसका तीसरा एलिमेंट थ्री, इसका तीसरा एलिमेंट क्या है माइनस ऑफ माइनस वन, फिर इसका दूसरा एलिमेंट चार देते हैं, इसका एलिमेंट क्या है माइनस करना है, तो ये माइनस है माइनस दिखाओ, फिर इसका यदि माइनस तीन है तो फिर यह क्या है आपका, ये आपका माइनस तीन है तो माइनस करना है, तो ये आपका इसका अंतर्गत से क्या जाएगा माइनस तीन आ जाएगा, फिर इसका क्या है दो, फिर इसमें क्या करना है हमको माइनस करना है, इसका एलिमेंट कौन आएगा ये फाइव आ जाएगा, फिर इसका क्या है माइनस वन, फिर माइनस करना है माइनस के साथ क्या आ जाएगा ये तीन आ जाएगा, फिर इसका अगला पाँच लेते हैं तो ये फिर माइनस करना है इसके फाइव के साथ ये दो आ जाएगा आपका, फिर ये अगला इसका तीन लेते हैं तो इसके माइनस कितना आएगा तीन के साथ आएगा। ये आपको घटाते हैं, ये घटाने पर देखिए कितना आता है, वन में वन गया क्या आ जाएगा जीरो, फिर में दो में माइनस माइनस दो क्या आ जाएगा माइनस छः आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस तीन एक कितना आ जाएगा चार आ जाएगा, फिर ये चार माइनस माइनस प्लस चार दो कितना होता है छः होता है, फिर ये माइनस माइनस प्लस तीन में तीन कट जाएगा क्या जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, दो में माइनस फोर घटेगा क्या जाएगा माइनस तीन आएगा, फिर ये माइनस वन और माइनस तीन को जोड़ेगा क्या जाएगा माइनस फोर देगा, फिर पाँच में दो घटेगा क्या जाएगा आपका तीन आ जाएगा, फिर ये तीन में तीन क्या जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। ये हम Q का मान निकाल चुके, ये आपका Q है और ये आपका P है। आप P और Q को जब निकाले आप क्या करें, समीकरण एक दो मान यहाँ P का मान रख देंगे और Q का मान रख देंगे, तब क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको इधर मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन आपका हो चुका है, फर्स्ट बिठा है। अब हमको क्या करना है, अब समीकरण एक लिख देना ऊपर में, क्या लिखना है समीकरण एक से, समीकरण वन से, समीकरण वन से लिखने से क्या हो रहा है, क्या हम यही समीकरण वन को माने थे, अब क्या करना है समीकरण वन इसी को माने थे, समीकरण वन में हम यहाँ मान रख रहे थे, इसी का मान निकाल चुके हैं, ये आपका पी माने थे, पी का मान आ चुका है, पी का मान क्या था वन बटे टू, ये पी का मान रख रहे थे, इसका मान यही ना है यहाँ रखते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या है, ये क्यू का मान था, पी का मान यहाँ है, तो पी का मान कितना है आपका दो 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 माइनस सिक्स सेवन दो सेवन सिक्स, ये ए प्लस ए का परिवर्तन मतलब हम इसको पी मान लेते, पी का मान निकाले हुए थे आप रखे, फिर प्लस इसका मान यहाँ आया हुआ था यहाँ हम रख देते हैं,
ये आपका क्या आ गया 6 0 6 4 6 0 -3 और ये आपका -4 है, फिर 3 है, 0 है। तो क्या किया हम इसमें मान रख दिए, इसका मान इसके जगह रखे और इसका मान यहाँ रख दिया। अब यही जो था आपका क्या था, ये सममित आव्यूह का मान निकाले और ये विषम सममित आव्यूह का मान निकाले। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा फिर क्या आ जाएगा, आपका सवाल का सवाल ही आ जाएगा जो हम माने थे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही हमको क्या बोला था, मतलब इसका योगफल के रूप में सममित आव्यूह का योगफल और विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में लिखना है। ये था आपका सममित आव्यूह और ये था आपका विषम सममित आव्यूह, बस यही तक आपको करना है। ये आपका जब भी पूछता है 5 नंबर मिलता है। यदि 3 × 3 कोटि का देगा तो 5 नंबर का आएगा, यदि आपका 2 × 2 कोटि का आएगा तो 2 नंबर में आएगा। तो ये आपका सममित था और विषम सममित आव्यूह था। तो ये आपका बस इसी तक पूछता है, बाकी कल देखते हैं इसके आगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, कल निकालते हैं ए इनवर्स निकालना सीखते हैं, जो कि ए इनवर्स जब भी आपको पूछेगा 5 नंबर पूछता है, ए इनवर्स पूछता है 5 नंबर में, नहीं तो आपको यही देता है ए नंबर में। बस मैट्रिक्स से तो यही चीज़ आता है 2 नंबर में, कि ये आता है नहीं तो इनवर्स पूछता है। और एक पूछेगा क्या, जैसे आपको कल बताते हैं और क्वेश्चन बैंक से कल पहले इनवर्स कर देते हैं, तब और जो है क्वेश्चन बैंक में जितना सवाल होगा उससे इंपॉर्टेंट आपको हल करवा दिया जाएगा।